अप्रोक्सीमेटली थर्टी फोर मिनट का जो बैकअप है वो हमें यहां पर एक्स्ट्रा मिला है दोस्तों आज कॉम्बोज के ऐसा को टेस्ट करने वाले हैं। इन दोनों कॉम्बोज के अंदर से कौन सा कॉम्बोज ज्यादा देर तक का हमें बैकअप देता है इस रूम हीटर के ऊपर अभी आप यहां पर देख सकते हो एक साइड में है माइक्रोटेक का लेड एसिड बैटरी कॉम्बो और ये दो बैटरीज हैं डेढ़ सौ AH की और इन दो

सो so, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमारी जो बैटरी है वो फुली चार्ज है इन्वर्टर के ऊपर जो लाइट है वो ब्लिंक नहीं हो रही है साथ ही मैं आपको वोल्ट मीटर पर भी दिखा दू 25 फाइव वोल्ट आ चुकी है वोल्ट मीटर के ऊपर इट मीन की बैटरी फुली चार्ज है हमने जो मेन्स है उसको ऑफ कर दिया है अब हम यहाँ पर लोड डालेंगे और यहाँ पर एनर्जी मीटर के ऊपर आप लोड पूरा देख सकते हो 1150 सो के आसपास लोड है अब इस पार्ट को हम फास्ट फॉरवर्ड कर देखेंगे सो हमारी जो लेटेस्ट बैटरीज है वो भी फुली चार्ज्ड है चार्जिंग की लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है साथ ही बैटरी की जो वोल्टेज है वो भी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो सो so, दोस्तों फाइनली हमारा जो टेस्ट है वो अब खत्म हो चुका है और आप लोगों ने देखा कि माइक्रोटेक के इस लेड एसिड कॉम्बो ने हमें बैकअप दिया है एक घंटे छत्तीस मिनट का इस रूम हीटर के ऊपर और वहीं जो सुवासिका का कॉम्बो है लिथियम कॉम्बो इसने हमें बैकअप दिया है दो घंटे दस मिनट का इस रूम हीटर के ऊपर सो अप्रोक्सीमेटली 34 मिनट्स का जो बैकअप है वो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिला है विद दिस लिथियम बैटरी कॉम्बो जो कि सिर्फ सोलह के जी की बैटरी है और यहां पर से बैकअप का ही फायदा नहीं मिलता आपको इस कॉम्बो के साथ में और भी काफी सारे फायदे आपको यहां पर मिल जाते हैं अगर आप लोग लेड एसिड से लिथियम पर स्विच होते हैं तो आइए जानते हैं कौन से है वो फायदे जो कि आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं विद द लिथियम बैटरी तो सबसे पहला फायदा तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि हमें बैकअप ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू दी लेड एसिड बैटरी दूसरे फायदे की बात करो तो वो है लाइफ स्पैन अब जो लेड एसिड बैटरी की लाइफ होती है वो तीन से चार साल ही होती है जबकि जो लीथियम बैटरी की लाइफ है वो सात से दस साल है सो so अप्रोक्सीमेटली तीन गुना ज्यादा जो लाइफ है वो आपको लीथियम बैटरी के साथ में मिल जाती है नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो वो है स्पेस अब इस लेड एसिड बैटरी कॉम्बो को काफी ज्यादा स्पेस चाहिए होता है रखने के लिए और स्पेशली जगह चुननी पड़ती है जबकि जो ये लिथियम बैटरी कॉम्बो है ये वॉल माउंटेड है और आप इसे कहीं भी छोटे से स्पेस जहां भी आपके पास अवेलेबल है वहां पर ईजिली हैंग कर सकते हो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो वो है वेट अब इस लेड एसिड बैटरी कॉम्बो का जो वेट है वो अप्रोक्सिमेटली एक सौ के आसपास है बैटरी और इन्वर्टर का जबकि ये जो लिथियम बैटरी कॉम्बो है इसका वेट है अप्रोक्सीमेटली ली 26 से 27 केजीस के आसपास और यहां पर अगर लेड एसिड बैटरी उठाने की बात हो जाती है ना तो हालत खराब हो जाती है अपने फ्लोर तक ले जाने के लिए और स्पेशली दो-तीन लोग चाहिए होते हैं इसको उठाकर अपने फ्लोर तक ले जाने के लिए जबकि ये जो लिथियम कॉम्बो है इसको आप अकेले ही अपने फ्लोर तक लेकर जा सकते हो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करो तो वो है मेंटेनेंस अब लेड एसिड बैटरी जो है उसके अंदर हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है तीन महीने चार महीने के अंदर बार बार चेक करना पड़ता है कि पानी कम तो नहीं हो गया साथ में जो फ्यूम्स निकलते हैं वो अलग है तो एक परेशानी और एक टेंशन जरूर रहती है कंज्यूमर के दिमाग में बट जो लिथियम बैटरी कॉम्बो है इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है साथ ही यहाँ से कोई भी किसी भी तरीके के जो फ्यूम्स है उसके निकलने की परेशानी नहीं होती यानी कि आपकी हेल्थ को भी ये प्रॉब्लम नहीं कर

कॉल करके अपना ये जो कॉम्ब है वो बुक करा सकते हैं साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत